खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, अपने घर में खुशबाश होंगे, मेरी वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब और इन्जॉय करेंगे। तो आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार ट्रेडिशनल लौकी बनाना सिखाऊंगी, जो कि हमारे पंजाब में गर्मियों में बहुत ज़्यादा बनाई जाती है। तो ये गोल वाली लौकी है, ठीक है, ये देखें, ये मेरे पास है 1.5 किलो लौकी, जिसको मैंने धो के छान अपने इस टोकरी में निकाल दिया है। 4 मैंने टमाटर लिए हैं छोटे मीडियम साइज़ के। 1 कप हमें चाहिए ऑयल, हल्दी 1 टीस्पून, सुरख मिर्च 1 टीस्पून, नमक 1 टेबलस्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून, खुश्क धनिया 1 टीस्पून और हरी मिर्चें 4 से 5, हरी मिर्चों का पेस्ट 1 टेबलस्पून और प्याज 2 बड़ी। चलिए रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम मिट्टी की हांडी हमने ऊपर चढ़ा ली है, इससे बहुत अच्छा जायका आएगा। इसमें हम 1 कप ऑयल शामिल कर देंगे, भर के 1 कप, और इसमें अपने प्याज शामिल कर देंगे, इसी तरह सारे ही डाल देंगे। और जब तक ये गर्म होगी तो फिर इनको जब हल्के से फ्राई हो जाएंगे तो बाकी मसाले डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये देखिए प्याज हमारा हल्का सा गोल्डन और ट्रांसपेरेंट हो गया, नरम हो गया। तो अब हम इसमें करेंगे अपने सारे मसाले। इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे, 2 मिनट हम इसको भूनेंगे। मिनट के बाद हम इसमें टमाटर शामिल कर देंगे। और इसको 4 मिनट तक भून लेंगे। तो आफ्टर 4 मिनट्स हम इसमें 4 टेबलस्पून पानी ऐड कर देंगे। चम्मच हम चला देंगे इस तरह से। चम्मच चलाने के बाद हम इसको रख देंगे 4 मिनट्स के लिए या 3 मिनट्स के लिए। तो जनाब 3 मिनट गुजर चुके हैं और ये देखिए हम इसको 2 मिनट और कुक करेंगे, सिर्फ 2 मिनट, ताकि ये देखिए जो टमाटर हैं किस तरह मिक्स करेंगे मसाले हैं इस तरह अच्छी तरह से, इस तरह टमाटरों को मसाले में मिक्स करेंगे इस तरह चम्मच चलाएंगे। को करेंगे बस इसमें हमारे रहें और देखें मसाला हमारा 2 से 4 मिनट में बन गया है। अब हम इसमें अपनी लौकी शामिल करेंगे। और ये देखें हम मिक्स कर लेंगे। पहले मैंने सारा काम तेज़ आंच पे किया, अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इसको मीडियम कर दूँगी। आंच हम मीडियम कर देंगे और इसको हम ढक के कुक करेंगे। तकरीबन 10 मिनट्स के बाद हम इसको देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 8 से 10 मिनट्स गुजर चुके हैं और ये देखिए लौकी ने अपना पानी छोड़ दिया इस तरह। तो बस अब हम इसको इसी में ही पकाएंगे 20 मिनट्स। हम इसको मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे 20 मिनट्स। तो बस 20 मिनट्स के बाद मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको पकते हुए 15 मिनट गुजर चुके हैं। ये देखिए ये लौकी ने अपना ही पानी छोड़ा है, मैंने 1 कतरा भी पानी इसमें इस्तेमाल नहीं किया। तो जब तक इसका सारा पानी खुश्क नहीं हो जाता तब तक हम इसको कुक करेंगे, ठीक है। और जब पानी खुश्क होगा तो हम इसका मसाला रेडी कर लेंगे। तो बस इसको 15 मिनट और कुक करेंगे मीडियम फ्लेम पे, क्योंकि हांडी में पका रहे हैं, अगर तेज़ आंच में पकाएंगे तो कच्चा भी रह सकता है। तो जनाब देखिए इसको पकते हुए 20 मिनट्स गुजर चुके हैं और ये देखिए
अब मैं क्या करूँगी, इस सिचुएशन पे मैं इसकी आंच बिल्कुल मीडियम कर दूँगी, ठीक है, और इसको ढक के 15 मिनट और कुक करूँगी, 15 से 20 मिनट हम इसको मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे। तो जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तकरीबन आधा घंटा हो चुका है इसको पकते हुए मीडियम फ्लेम पे। अब मैं क्या करूँगी, आँच तेज़ करूँगी और इसको हम भून लेंगे आँच तेज़ करने के बाद। तो जनाब देखिए, अब हम इसको 10 मिनट तक भूनेंगे अच्छी तरह से कि ऑयल इसका सेपरेट हो जाए, ठीक है। हांडी है तो इसलिए चम्मच ज़रा हम थोड़ी देर बाद चलाएँगे, 2 मिनट बाद इस तरह, ठीक है, ताकि लगने का डर ख़त्म हो जाए। ये जनाब हांडी हमारी भून रही है इस तरह, तो बस हमने इसको इतना भूनना है कि ऑयल सेपरेट बिल्कुल हो जाए और पानी का नामो निशान बिल्कुल ख़त्म हो जाए, ठीक है। और मज़े का आप इसको चपाती के साथ किसी भी चीज़ के साथ यूज़ करें। तो कोरिएंडर ले लूँगी मैं इसको ऊपर डालने के लिए। तो जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऑयल प्रॉपरली सेपरेट हो गया है, चूल्हा मैं बंद कर दूँगी क्योंकि ये देखिए चूल्हा बंद करने के बाद भी ये इसमें 10 से 15 मिनट पकता रहेगा, ठीक है। तो बस अब मैं इसके ऊपर अपना कोरिएंडर डाल दूँगी, 10-15 मिनट ये पकेगा, तब तक हम इसके ऊपर ढक्कन दे देते हैं। जैसे थोड़ा सा अपने टेम्परेचर पे आएगा तो हम इसको डिश आउट कर लेंगे। तो जनाब देखिए 5 मिनट हो चुके हैं और ये अभी भी पक रहा है इस तरह, ठीक है। और अब हम इसके ऊपर अपना कोरिएंडर डाल देंगे इस तरह। तो मज़ेदार हमारी रेसिपी रेडी है। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मुझे दे इजाज़त और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।